अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कच्चे चावल और कुछ बेसिक सामान से एक मज़ेदार नाश्ता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप कच्चे चावल लिए थे, पानी में धो के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम पानी छान लेंगे। अब हम चावल को पीस लेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम बारीक पीसा है, एक भी चावल का दाना नहीं है। एक पैन लेंगे, उसमें लेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सीसेम सीड्स, 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इसके साथ हम डालेंगे पानी। मैंने 1 कप चावल लिया था, उसी कप से हम 1.5 कप पानी लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक। अभी पैन को हम कवर कर देंगे और एक बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया है, इस टाइम में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ हम डालेंगे चावल का पेस्ट। फ्लेम को हाई रखना और लगातार चलाना है, नहीं तो पैन का बेस में लग जाएगा। तब तक पकाएंगे जब तक डो कंसिस्टेंसी नहीं आ जाता है। डो कंसिस्टेंसी में आ गया है, हम गैस ऑफ कर देंगे। इस डो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। वो ठंडा हो रही है, तब तक एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू, थोड़ा स्मैश कर लिया है। डालेंगे बारीक किया हुआ हरा धनिया, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज, इसमें डालेंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची। अब डालेंगे नमक और लेमन जूस। हम सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे स्टफिंग रेडी हो गया है, अब हम इसको स्टाइड साइड में रखते हैं। चलिए हमारे आटे को चेक करते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा तेल डाल के बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए मैंने गूंथ लिया है। अगर आपको लगता है कि आटा गीला हो गया है तो आप चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। थोड़ा तेल हाथ में ग्रीस कर लेंगे और एक पोर्शन निकाल लेंगे और एक बॉल बना लेंगे। फिर थोड़ा चपटा करके थोड़ा स्टफिंग बीच में रख लेंगे। अब हम इसको चारों तरफ से पैक कर लेंगे। इसी तरह हम सब बना लेंगे। अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। हम इसको टच नहीं करेंगे, थोड़ी सेकने देंगे। थोड़ी सी सेक गया है, अब हम इसको पलट देंगे। तैयार हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।